गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्टिकल 204 204 अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल होता है पैसे निकालने के लिए सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, स्टेट का, यूनियन का और ठीक है सेंटर का अलग अलग। तो वहां से अब देखो, डिमांड ऑफ ग्रांट 203 आर्टिकल में हमने पढ़ा डिमांड ऑफ ग्रांट लास्ट में कैसे क्या, ठीक है, कब बिल सबमिट किया गया, असेंबली में डिस्कशन किया गया, ठीक है, वोटिंग हुआ वहां पे, भाई जो भी डिमांड की गई है पैसे निकालने के लिए तो वो क्या है, हाउस में तो रखना पड़ेगा ना, और रखने के बाद उस पर डिस्कशन होगा कि हाँ भाई किस लिए, किस पर्पज के लिए निकाला जा रहा, वोटिंग होगी, फिर उसको पास किया जाएगा। हर मिनिस्ट्री में कितना कितना पैसा, कितने कितने मतलब डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा दिया गया है, कितनी अमाउंट अलॉट हुई है, तो उस चीज के लिए होता है। अलॉट होने के बाद उसको विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना है तो भैया क्या लेके आना पड़ेगा, विड्रॉल के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल लेके आना पड़ता है। तो इस बिल में बताया गया है आर्टिकल 204 में, और क्या क्या है थ्योरी पार्ट में हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है, एज सून एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 203 हैव बीन मेड बाई आर्टिकल 203 हैव बीन मेड बाई द असेंबली, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस ए बिल टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट। इसमें ये बोला गया कि जैसे ही डिमांड फॉर ग्रांट का ग्रांट हो गया ना, तो तभी अप्रोप्रिएशन, इमिडिएटली अप्रोप्रिएशन बिल आ जाता है। ऐसा है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट को पैसा अलॉट कर दिया, इतना इतना मिलेगा, तो सब पैसा लेने को भागेंगे ना, तो वही चीज है। तो उस चीज के लिए इमीडिएटली एक बिल आता है जिसका नाम क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। तो एक प्रोसीजर होता है पैसा निकालने का, यूं कह लो। और कहां से पैसा निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कि भाई जो भी पैसे निकालने हैं, जितने भी जिसके डिपार्टमेंट के लिए अलॉट हुए हैं, तो उसके लिए नहीं, जो भी पैसे निकालने हैं उसके लिए बिल आएगा, अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब यही है कि पैसे मांगने को, पैसे निकालने को जो परमिशन चाहिए उसको बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन बिल। उसके बाद क्या बोला गया, द ग्रांट सो मेड बाई द असेंबली, भाई जो ग्रांट है, जो भी जिस डिपार्टमेंट के लिए अलॉट हुआ है, तो वो किसके द्वारा, असेंबली के द्वारा तो डिसाइड किया जाता है ना बिल पास करके। उसके बाद द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द हाउस और हाउसेज। इसमें ये बात बोलेगी भी जितना भी ग्रांट अलॉट हुआ है, अब ये ग्रांट अलॉट वाली जो मैंने ऊपर बात बोली, असेंबली डिसाइड करेगी भाई किस किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाना है, ठीक है, एक बजट बनता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके हिसाब से जो आर्टिकल 203 था जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रांट कैसे अलॉट होता है, भाई किस किस डिपार्टमेंट को अलॉट होता है, वो चीज़ यहाँ पे 203 में बताई गई। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया भाई बी पार्ट में जितना भी ग्रांट जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए अलॉट हुआ है वो उतना ही निकाल सकता, उससे ज़्यादा नहीं, कि भाई उससे ज़्यादा हुआ अलॉट है 50 करोड़ और आप निकाल रहे हो 70 करोड़ या 100 करोड़, ऐसे नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, No amendment shall be proposed to any such bill in the House or either House of the legislature of the state which will have the effect varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charge on the consolidated fund of the state and the decision of the person preceding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final। ये बात बोली गई कि भी मान लो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कोई पैसे ही, कोई अमाउंट, वो जो भी अप्रोप्रिएशन बिल में आई वो भाई अप्रूव्ड हुई है, ठीक है, वो निकाल ली गई है भाई इतनी अलॉट हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो मिनिस्ट्री जिसके लिए अलॉट हुई है वो चेंज करके वो पैसा इधर उधर डाल देगी, उसके लिए दूसरे काम के लिए यूज कर लेगी, वो बात बोली गई यहाँ पे, ठीक है, कि भाई एक फंड जो एक डिपार्टमेंट के लिए पैसा अलॉट हुआ है, जितना हुआ है वो उसी को यूज करे, दूसरे के लिए जितना हुआ वो अपना यूज करेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको वो पैसा दे रहे हो। जो भी इस तरह के अमेंडमेंट होंगे उसको प्रपोज नहीं कर सकते, ये है यहाँ पे। और इसमें ये बात बोली गई कि मान लो किसी डिपार्टमेंट के लिए 100 करोड़ हुआ है, तो ठीक है उसमें अमेंड करके, तो वो चीज़ें स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब, असेंबली में हमारे स्पीकर साहब और काउंसिल में चेयरमैन साहब, वो अमेंड करके उसको आगे पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो इस तरह के अमेंडमेंट होते हैं कि भाई 100 करोड़ प्रपोज हुआ है और भाई गलती से 200 करोड़ कर दिया, या फिर भाई 50 करोड़ कर दिया, हुआ 100 करोड़ अलॉट था, तो वो चीज़ें नहीं मान सकते हुए यहाँ इस तरह के अमेंडमेंट है ना, इस क्लोज में हम नहीं मांग सकते हैं। बाकी जो आगे आर्टिकल आएंगे उसमें ये चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, सब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है,
subject to the provisions of Article 205, 206, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of the state except under appropriation made by law passed in accordance with the provision of this article. Article में यही बात बोली गई है कि जो भी amount एक बार demand for grant जिसकी जिस भी department के लिए allot हो गया तो उसको उतनी ही मिलेगी, ठीक है? जो भी अगर एक्स्ट्रा किसी स्कीम के लिए चाहिए, कोई और एक्सपेंडिचर आ गया है तो वो सप्लीमेंट्री में आ जाएगा, जो आगे हम आर्टिकल 205 और 206 में पढ़ेंगे। मतलब सिंपल यही है कि जो एक बार जो अमाउंट अलॉट होगी है डिमांड फॉर ग्रांट वो फिक्स होगी और वो कौन डिसाइड करेगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा? स्पीकर साहब का। मैं थर्ड क्लोज में यही बोला गया कि आर्टिकल 205 और 206 को छोड़ दो, क्योंकि इसमें जो बात बोली गई है वो सप्लीमेंट्री और वोट फॉर वो चीज़ें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? इनको छोड़ के बाकी कोई भी जो मनी होगा वो विड्रॉ नहीं कर सकते। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ पास इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। भाई जो भी अप्रोप्रिएशन बिल रेडी हुआ है एक्सेप्ट, उसको छोड़ के आप कोई भी और पैसा नहीं निकाल सकते हो, रादर देन मतलब 205 और 206 आर्टिकल को छोड़ के। मतलब यही है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा ना, जो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ तब तक कोई अदर पैसा एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, ये बात बोलेगी यहाँ पे, सिर्फ 205 और 206 आर्टिकल को छोड़ के। इसकी हम आगे बात करेंगे क्या है इसमें। तो ये था आर्टिकल हमारा 204। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।